Hello friends, today we will continue our discussion about history questions from GS paper 2015, and our next question is: Mesolithic rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of the times but also a fine aesthetic sense comparable to modern painting. Critically evaluate this comment. तो इसमें हम लोगों को compare करना है कि जो Mesolithic rock cut architecture है उसकी पेंटिंग्स आज की मॉडर्न पेंटिंग जो उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग धीरे धीरे डेवलप हुई उनके बीच में क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं, हमें ये कंपेयर करना है इसके अंदर. क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस कमेंट, तो इस कमेंट को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं. तो सबसे पहले मिजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा इसमें बताएंगे. सो मिजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग्स एंड रॉक एंग्रेविंग्स. द पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन MP, सराय नाहर राय इन UP, बागोर इन राजस्थान एंड वलसाना इन गुजरात. तो हमने इसकी लोकेशंस बता दी कहाँ कहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं. देन द पेंटिंग्स डिस्प्ले द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल, वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, डांसिंग सीन्स, चाइल्ड बर्थ एंड फर्टिलिटी वर द मेजर थीम्स ऑफ पेंटिंग इन दिस एरा. रेड एंड वाइट पिगमेंट्स वर यूज फॉर पेंटिंग. तो ये जो पेंटिंग्स जो हमें यहाँ पे पता चला है कि मेजरली ये सोशल और कल्चरल लाइफ को ही दर्शाती थी, उसमें जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं जो कर रहा है एक इंसान, दैट इज शोन इन दीज पेंटिंग्स. लाइक वाइल्ड एनिमल्स जो है उनके बारे में बताया गया है, देन हंटिंग सीन्स बताए गए हैं. तो फर्टिलिटी एक वन ऑफ द मेजर जो है थीम इसका रहा है. और बहुत ही सिंपल पेंटिंग्स है, रेड और वाइट पिगमेंट्स का यूज किया जाता था सारी पेंटिंग्स बनाने के लिए. यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए ये जो एक है ये डांसिंग सीन्स दिखाए गए हैं, तो बिल्कुल ही ये सिंपल सी पेंटिंग बनाई गई है. यहाँ पे भी ये हंटिंग के सीन दिखाए गए हैं. तो ये रोजमर्रा की उनकी लाइफ में से ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हमें पेंटिंग में दिखाई गई है. देन एस्थेटिक सेंस ऑफ दीज पेंटिंग्स इज कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग बट विथ सर्टन डिफरेंसेस. हालांकि मॉडर्न पेंटिंग के साथ कुछ चीजें इसमें से जरूर हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो है डिफरेंसेस रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग जरूर रहा है. बिकॉज ये जो पेंटिंग्स है ये बिल्कुल सिंपल है, तो इस तरह की सिंपल पेंटिंग जरूरी नहीं है बाद में भी हमें मिलती है. द क्लासिकल सेंस इन मिजोलिथिक पेंटिंग्स लैक्स इन मॉडर्न पेंटिंग. तो ये एक मोटा मोटा पॉइंट दिया है कि क्लासिकल सेंस जो है मिजोलिथिक पेंटिंग में वो हमें मॉडर्न पेंटिंग में नहीं मिलता. देन हम लोग बाद में मॉडर्न टाइम में किस तरीके से आर्ट फॉर्म जो है पेंटिंग वाली वो इंडिया में डेवलप हुई उसके बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा दिया है. राजा रवि वर्मा एंड हेमेंद्र नाथ मजुमदार वर द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ अकेडमिक आर्ट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर इन 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी में अकेडमिक आर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुई. राजा रवि वर्मा और हेमेंद्र नाथ मजुमदार इसके मेन एक्सपोनेंट थे. बाद में 20th सेंचुरी में अमृता शेरगिल भी इसमें काफ़ी पॉपुलर रही इसी आर्ट फॉर्म में. दे यूज वेस्टर्न टेक्निक्स टू डेवलप अ न्यू एस्थेटिक इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर को दर्शाने में वेस्टर्न टेक्निक्स का यूज कर रहे थे. बट ड्यू टू लैक ऑफ क्लासिसिज्म एंड एक्सट्रीम ब्यूटिफिकेशन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग कांट बी कंपेयर्ड विद मिजोलिथिक पेंटिंग्स. तो ये जो चीज़ें हैं ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि मिजोलिथिक पेंटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ ब्यूटिफिकेशन तो नहीं किया गया था, बट इन पेंटिंग्स के अंदर जो अकेडमिक आर्ट की पेंटिंग है एक्सट्रीम ब्यूटिफिकेशन किया गया है, और साथ के साथ क्लासिसिज्म जो है वो लैक कर रहा है जो मिजोलिथिक पेंटिंग में दिखाई देता है. तो इसलिए हम लोग इन पेंटिंग्स के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे. देन द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट रिएक्टेड टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ऑफ मटेरियलिज्म एंड ऑर्नेट प्रेजेंटेशन इन अकेडमिक आर्ट. तो अकेडमिक आर्ट का जो एक्सट्रीम ब्यूटिफिकेशन वाला जो पार्ट था और मटेरियलिज्म था, उसके रिएक्शन में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, जिसके मेजर प्रोपोनेंट अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और जामिनी रॉय थे. क्लासिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी बिकेम द मेन फीचर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. भारत माता पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर सिंबलाइज्ड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट. तो भारत माता एक बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर की थी, वो सिंबलाइज करता है कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट क्या है और इंडिया क्या एस्पायर करता है, क्या बनना चाहता है आगे आने वाले टाइम में, वो भारत माता में दिखाता है. और ये जो पेंटिंग है ये भी पूरे क्लासिकल नेचर है इसके अंदर और बहुत ही स्पिरिचुअलिटी वाली है, विच इज समहाउ कंपेरेबल विद द मिजोलिथिक पेंटिंग. सो दिस स्कूल्स सिंप्लिसिटी एंड क्लासिकल नेचर इज कंपेरेबल विद द मिजोलिथिक पेंटिंग. इस समय के हमने दो स्कूल्स के बारे में देखा, एक था आर्टिस्टिक स्कूल, दूसरा है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. तो इन दोनों में से हमने कुछ डिफरेंसेस बताए
और बताया कि किस तरह से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कंपेरेबल है मिजोलिथिक पेंटिंग से, लेकिन एकेडमिक आर्ट वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, डिस्कस। बिफोर महात्मा गांधी द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज लेड बाय अ फ्यू वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट्स हु हैड लिटिल कनेक्ट विद द मासेस ऑफ द कंट्री। तो हमें इसमें बताना यह है कि अगर महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर नहीं होते तो इंडिपेंडेंस इंडिया की किस तरह की होती, तो कैसी अचीव होती इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया कि जब महात्मा गांधी नहीं थे तो फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से थी। तो फ्रीडम मूवमेंट क्या थी, मासस के साथ कोई कनेक्ट नहीं था और ये कुछ गिने चुने वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास जो एलीट थे वही फ्रीडम मूवमेंट को चला रहे थे। दे वर नॉट इवन रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। देन विदाउट महात्मा गांधी इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू मेक फ्रीडम स्ट्रगल अ मास बेस्ड मूवमेंट। तो 1915 के बाद जब महात्मा गांधी का एडवेंट हुआ तो उन्होंने कुछ छोटी मूवमेंट्स के साथ इसको स्टार्ट किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जैसे, उसमें किसका रोल ज्यादा था, पेशेंट्स का, सॉरी वर्कर्स का। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, वहां पे किसका ज्यादा था, पेशेंट्स का ज्यादा था। देन उन्होंने दलित दलित के राइट्स के लिए मूवमेंट चलाई, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट मूवमेंट चलाई। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे जो मूवमेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल की उसको मास बेस्ड मूवमेंट बनाने की कोशिश की। तो इसमें आगे देख लेते, पेशेंट्स वर्कर्स विमेन स्टूडेंट्स एंड अदर कॉमन पीपल ज्वाइंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद ये जो लोग हैं ये कभी फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करते ही नहीं। हिज अपील्स फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड क्रूसेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंश्योर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द नेशनल मूवमेंट। तो किस तरह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ा, किस तरह से महात्मा गांधी ने जो उस समय अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट थी इंडियन सोसाइटी में उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने वॉइस रेस की, और हरिजन सेवक समाज इन्होंने, हरिजन सेवक संघ इन्होंने बना के हरिजनों की अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की। तो ये जो इन्होंने कोशिश किया कि जो सारे सेक्शन हैं सोसाइटी के वो एक तरह से यूनाइट होकर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो ये महात्मा गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें रहा कि मास मूवमेंट बना दिया फ्रीडम स्ट्रगल को जो पहले नहीं था। देन विदाउट द आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, तो ये नॉन वायलेंस और सत्याग्रह भी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रोपोगेट किए गए थे। द इंडिपेंडेंस मूवमेंट मे हैव टर्न्ड इनटू एन आर्म्ड स्ट्रगल विच मे हैव लेड टू लार्ज स्केल वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्लडशेड। तो शायद महात्मा गांधी नहीं होते तो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, और मे बी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वुड हैव टर्न्ड इनटू अ आर्म स्ट्रगल जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्लडशेड होने के चांसेस थे। द आइडियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन, ग्लोबल पीस, ट्रूथ एंड मोरालिटी वुड नेवर हैड बिकम प्रोमिनेंट विदाउट महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ये नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के अलावा भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, रूरल एरियाज को पहले डेवलप करो, तो रूरल एरिया डेवलप होंगे तो बाकी एरियाज भी साथ के साथ डेवलप करना शुरू कर देंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम द मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज रिजाइडिंग इन विलेजेस। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की, स्वराज की बात की, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, ग्लोबल पीस, ट्रूथ एंड मोरालिटी, ये सभी जो चीज़ें हैं जो आइडियाज है ये महात्मा गांधी ने ही पॉपुलराइज किए थे। तो ये महात्मा गांधी नहीं होते तो इस तरह के आइडियाज भी आज इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते। इंडिया वुड हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, तो शायद इंडिपेंडेंस तो मिल जाती बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, एंड ऑल्सो सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी और मूवमेंट चली, तो इंडियन एक तरह से इंडियन आर्मी भी के ऊपर भी ब्रिटिशर्स कुड नॉट ट्रस्ट एनी मोर। तो मे बी इंडिपेंडेंस तो मिल जाती, बट द आइडियल्स एंड वैल्यूज विच ही प्रीच्ड फॉर द नेशन बिल्डिंग वुड नेवर हैड गेन्ड ग्राउंड, एंड इंडिया विदाउट आइडियाज कैन नॉट बी इमेजिन्ड। तो ये जो आइडियल्स और वैल्यूज महात्मा गांधी ने बताए उनके बिना हम लोग आज जो इंडिया बना है हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते अगर महात्मा गांधी नहीं होते। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, और अगली क्लास में हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो कि रिलेटेड था मिजोलिथिक पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग को रिलेट करने के लिए, तो उसमें हमने सबसे पहले मिजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर में जो पेंटिंग यूज हुई है उसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये कहाँ कहाँ पे है, लोकेशंस बता दी। देन उसके बाद हमने इनकी थीम्स के बारे में बताया कि इनकी थीम्स क्या है और कौन से कलर इसमें यूज होते थे, और ये पेंटिंग बिल्कुल ही क्लासिकल और सिंपलिस्टिक थी। देन
वी टोल्ड अबाउट एकेडमिक आर्ट. एकेडमिक आर्ट जो वेस्टर्न आइडियाज से इन्फ्लुएंस थी, उसके थ्रू जो इंडियन कल्चर को दिखाया जा रहा था उसके बारे में बोला, एंड हाउ इट इज नॉट कंपेरेबल विद मीजोलिथिक पेंटिंग्स. देन वी टॉक्ड अबाउट बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड कि ये किस तरह से कंपेयर की जा सकती है. इसका थोड़ा सा पहले बेसिक वाला इसमें हमने बता दिया था. देन हमने बताया कि ये किस तरीके से मीजोलिथिक पेंटिंग के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्लासिकल नेचर. देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट महात्मा गांधी की, इफ महात्मा गांधी वुडंट हैव बीन देयर व्हाट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या डिफरेंस रहता. तो सबसे पहले तो हमने हमने बताया कि किस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज मेनली लेड बाय अ फ्यू मिडिल क्लास एलिट्स. ठीक है, तो अगर महात्मा गांधी नहीं आते तो मास मूवमेंट बन ही नहीं पाती कभी, और ये हमेशा शायद मिडिल क्लास एलिट्स के द्वारा ही लीड की जाती. देन उसके बाद हमने बताया कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने प्रोपोगेट किए, अगर वो ना होते तो शायद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक आर्म स्ट्रगल होती और मे बी इट वुड लेड टू अ लार्ज स्केल ब्लडशेड. देन जो दूसरे आइडियाज जो आज भी जिनका काफी महत्व है, महात्मा गांधी ने जो दिए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, तो ये जो जो भी ये आइडियाज है वो शायद कभी प्रोमिनेंस में आते ही नहीं अगर महात्मा गांधी नहीं होते. एंड देन वी टोल्ड कि इंडियन इंडिपेंडेंस तो मिल ही जाती, लेकिन जो आइडियल्स और उन्होंने वैल्यूज दिए अगर वो नहीं होते तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया आज वो इंडिया होता जो इन आइडियाज के साथ बना है. सो दीज वर द टू क्वेश्चंस विच वी डिस्कस्ड फ्रॉम 2015 जीएस पेपर. तो इसके बाद हम ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे.